ओके सो नेक्स्ट वी विल गो फॉर द प्रोसीजर रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर. अब एग्जैक्टली इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जिसकी बेसिस पे हम डिबेंचर जो है वो इशू कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन. अब फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. क्या रेजोल्यूशन एग्जैक्टली पास होना चाहिए? तो एग्जैक्टली, ठीक है, जो डिबेंचर्स है वो हम कितने इश्यू करने वाले हैं, उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना देंगे और उसका पे बैक हम क्या करेंगे, इस तरीके का एग्जैक्टली जो रेजोल्यूशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर इशू करने से पहले बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में ये एग्जैक्टली जो चीज है वो रिप्रेजेंट होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट नंबर वन प्रोसीजर. नाउ नेक्स्ट, रेजोल्यूशन बाय द शेयर होल्डर. अब शेयर होल्डर से भी तो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट अलोनली टेक द डिसीजंस, वहां पे एग्जैक्टली शेयर होल्डर का भी डिसीजन लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट, कंसेंट ऑफ एसीबीआर. अब एग्जैक्टली अगर जो इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो अगर एक्सेड हो रहा है, अगर 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे एसीबीआई का अप्रूवल लेना, दैट इज द मेन थिंग. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में एग्जैक्टली होता क्या है कि जो स्टॉक जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वहां पे अगर उनको एक्सचेंज करना है तो उनका भी तो अप्रूवल लेना इंपॉर्टेंट थिंग है. ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है कि एग्जैक्टली उसका क्रेडिट कितना होगा, ठीक है, कितने क्रेडिटर्स एग्जैक्टली इसको इशू कर सकते हैं, कितने डिबेंचर होल्डर्स इसको इशू कर सकते हैं, दैट इज द मेन थिंग. उसके बाद ट्रस्ट डीड. ट्रस्ट डीड बिटवीन व्हाट, कि जैसे कि मान लो एक डिबेंचर है एंड कंपनी, अगर वो डिबेंचर जो है, डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी से डिबेंचर्स खरीदेगा, बट उनके बीच में एक जो एग्जैक्टली जो बीच का बंदा जो होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एज एन एजेंट, जो इन दोनों का ट्रस्ट जो बनाए रखता है, सो उसका मेन रोल प्ले होता है. उसका मेन रोल क्या प्ले होता है कि एग्जैक्टली वो जो पर्सन है वो कंपनी के बारे में अश्योरिटी देगा. किसको देगा? तो ऑब्वियसली बात है डिबेंचर होल्डर को, ताकि वो उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे. एंड एग्जैक्टली सेम टाइम पे वो डिबेंचर होल्डर्स को भी ये बताता है कि तू जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है कि वहां से उसको एग्जैक्टली ऑन श्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे बैक हो जाएगा. ये एग्जैक्टली ट्रस्ट डेड का काम होता है, जो दोनों के साथ ट्रस्ट बनाए रखता है एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से ये कंपनी पैसे लगाए और इससे कंपनी चले और उसके बाद वो उसको पैसा रिटर्न दे दे विद गिविंग सम रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो ये ट्रस्ट डीड का काम एग्जैक्टली होता है. उसके बाद इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस में एकदम एग्जैक्टली होता क्या है कि जो प्रोस्पेक्टस जो इशू होते हैं, कि जहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स को सारे इंफॉर्मेशन, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पता हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे हम पैसे लगाने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और इसको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है. उसके बाद रिसीविंग एप्लीकेशन एंड अलॉटिंग डिबेंचर्स. अब एग्जैक्टली जो डिबेंचर होल्डर जो कंपनी में पैसे लगा रहा है उसका अलॉटमेंट हो गया है, उसके बारे में उसको लेटर भी तो मिलना चाहिए, एंड उसका अलॉटमेंट हो गया इसकी वजह से उसको एक एप्लीकेशन भी रिसीव होता है कि जिसके बेसिस पे वो अप्लाई कर सकता है. एंड उसके बाद अलॉटिंग डिबेंचर्स. अब ये जो डिबेंचर जो अलॉटमेंट का जो काम होता है वो किसका होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द पर्सनैलिटी हु एग्जैक्टली अलॉटेड द शेयर्स टू द डिबेंचर होल्डर्स. ठीक है, उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट. अब जिस इंसान को डिबेंचर्स का जो पार्ट है जो मिल गया, उसके पास प्रूफ भी तो होना चाहिए कि वो उस कंपनी का डिबेंचर होल्डर है. इसके लिए कंपनी, ठीक है, आने वाले 3 मंथ्स के अंदर अंदर उस इंसान को डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है. उसके बाद रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर. जब वो इंसान को डिबेंचर सर्टिफिकेट जब मिल जाता तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के पास भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए कि ही इज अ डिबेंचर होल्डर. तो इसके लिए उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन, उसने कितने डिबेंचर्स परचेस किए, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर में मेंशन होती है, ठीक है, ऑफ द डिबेंचर होल्डर. ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कन्वर्जन इसका कैसे होता है. किसका कन्वर्जन? डिबेंचर्स इंटू द शेयर्स. ठीक है, अब एग्जैक्टली डिबेंचर्स इंटू शेयर्स में होता क्या है? जो डिबेंचर होल्डर्स जो रहते हैं, ठीक है,
वो अपने पैसे कंपनी में लगाने की वजह से उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एंड पूरी जो एग्जैक्टली जो अमाउंट है ठीक है प्रिंसिपल अमाउंट वो भी उनको पे बैक हो जाती है। बट अगर वो इंसान चाहे कि उसको उस कंपनी का अगर शेयर होल्डर बनना है ना डिबेंचर होल्डर आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर होल्डर यानी उस कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो उसका एग्जैक्टली प्रॉफिट उसके साथ शेयर हुआ क्योंकि एग्जैक्टली डिबेंचर होल्डर्स को तो सिर्फ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर 2% है तो 2% 5% है तो 5% ठीक है जैसे आई एम गिविंग दिस एज एन एग्जाम्पल हाँ ठीक है तो कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस हो इट डजंट मैटर बट उसको उसका 2% मिलेगा ठीक है उसने जितने पैसे दिए हैं उसके जैसे कि मान लो 2 lakhs अगर उसने उस कंपनी में डिबेंचर्स जो है वो एग्जैक्टली परचेस किए है ठीक है सो 2 lakhs के ऊपर उसको 2% मिलेंगे ठीक है। बट यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है कि वो कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में बट अगर वो इंसान अगर उस कंपनी का शेयर होल्डर बनता है तो कंपनी का जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के उसके परसेंटेज उसको मिलते हैं यानी डिबेंचर होल्डर से ज्यादा शेयर होल्डर को एग्जैक्टली सबसे ज्यादा पे बैक मिलता है ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कंपनी एक चीज प्रोवाइड करती है दैट इज अ डिबेंचर्स कन्वर्टेड इन टू द शेयर्स ठीक है। अब यहाँ पे 2 types के कन्वर्जन होते हैं फर्स्ट कन्वर्जन इज अ फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड सेकेंड इज अ पार्टली कन्वर्जन एग्जैक्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में एग्जैक्टली होता क्या कि जिस इंसान ने जो भी डिबेंचर जो एग्जैक्टली प्रोवाइड किया है कंपनी में तो वो उसके पूरे के पूरे कन्वर्जन कर सकता है इनटू द इक्विटी शेयर होल्डर यानी उसके सारे डिबेंचर्स जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है। एंड पार्टली कन्वर्जन में होता क्या है कि उस इंसान के सिर्फ कुछ परसेंट ऑफ डिबेंचर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड रिमेनिंग जो है वो उस कंपनी का क्रेडिटर रहता है दैट इज अ डिबेंचर होल्डर ठीक है। तो जब एक इंसान फुल्ली अपने जो डिबेंचर्स जो है वो कन्वर्ट करता है इक्विटी शेयर्स में ठीक है तो उस टाइम पे उसको उसका डिबेंचर शेयर सर्टिफिकेट कंपनी में सबमिट करना पड़ता है ठीक है। एंड पार्टली कन्वर्टेबल शेयर्स में एग्जैक्ट डिबेंचर्स में ऐसे नहीं होता है उसको उसका शेयर होल्डर सर्टिफिकेट भी मिलता है एंड उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट ये दोनों में मिलते हैं क्योंकि उसे सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ जो है डिबेंचर्स वो कन्वर्ट किए है ठीक है। सो ये था कन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट वी विल गो फॉर द प्रोविजंस फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। अब एग्जैक्टली इसमें होता क्या है प्रोस्पेक्टस एंड लेटर ऑफ ऑफिस एग्जैक्टली कंपनी जो वो प्रोस्पेक्टस जारी करती है कि जहां पे एक इंसान अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सके ठीक है एंड इसके लिए वो लेटर भी पास करते हैं। नाउ नेक्स्ट लेटर ऑफ ऑप्शन। लेटर ऑफ ऑप्शन में होता क्या है कि एक इंसान यानी कौन सा कि डिबेंचर होल्डर उसको ऑप्शन दिया जाता है वेदर ही इज इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट इट्स डिबेंचर इनटू शेयर्स देन ही कैन इफ ही डोंट वांट देन ही कैन ठीक है। उसके बाद फिलिंग ऑफ कॉपी उसकी जो कॉपी है ठीक है वो रजिस्टर ऑफ कंपनी में सबमिट की जाती है किसकी डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करने की। उसके बाद रेट ऑफ कन्वर्जन उसके ऊपर कितना रेट है कितने रेट में इसको कन्वर्ट कर सकता है एक इंसान अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में ठीक है। वहां पे अगर प्रीमियम अगर उसका कुछ चार्ज होगा तो वो भी उसको पे करना पड़ता है बट उसकी फेस वैल्यू जो है उससे कम नहीं होती है ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑफर। अब एक इंसान उस ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता है अगर मान लो कि सर्टन एक्स वाई जेड पर्सन है अगर वो ऑफर जो वो रिजेक्ट कर दे तो आने वाले 30 days के अंदर अंदर कंपनी उसकी जो भी एग्जैक्टली डिबेंचर अमाउंट जो है वो पे बैक कर देती है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है। अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि हम कैसे एग्जैक्टली डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन ऑब्वियसली बात है बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट लेटर ऑफ ऑप्शन उस इंसान को ऑप्शन दिया जाता है उसको अगर उसको कन्वर्ट करना है शेयर्स में तो कर सकता है या फिर डिबेंचर होल्डर एज इट इज वो रह सकता है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अगर उसने कर लिया शेयर्स में अलॉटमेंट यानी उसने चेंजेस करवा लिए तो उसको अलॉटमेंट मिल जाता है किसके लिए शेयर्स के लिए। चेंज इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस
अगर उस इंसान को डिबेंचर होल्डर्स नहीं रहना, शेयर होल्डर बनना है, तो ऑब्वियसली बात है रजिस्टर ऑफ कंपनी में वहां पे चेंजेस किए जाते हैं, यानी रजिस्टर होल्डर से उसका नाम हटा दिया जाता है एंड शेयर होल्डर में उसका नाम इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। एंट्री इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, अब ऑब्वियसली बात है रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी उसका नाम जो है वह शामिल किया जाता है। उसके बाद फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, उसका जो भी फॉर्म है वो वहां पे फाइल किया जाता है इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में। तो इस बेसिस पे एग्जैक्टली एक इंसान डिबेंचर होल्डर से शेयर होल्डर बन सकता है, इस तरीके से वो डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ओके,